हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कल हमने कुछ जोधपुर को एक्सप्लोर करा और आज हम आ चुके हैं थोड़े जोधपुर से थोड़े दूर, यानी कि जो कायलाना झील माचिया पार्क है वहाँ पर आ गए हैं। तो माचिया जैविक पार्क, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और यहाँ पर आए हैं कायलाना झील। चलते हैं, देखते हैं, इसका नाम बहुत सुना है तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले कायलाना झील में। जिप लाइन और सोचा कि बोटिंग वगैरह भी करेंगे बोट, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ना कि ऑनलाइन पेमेंट हमारे यहाँ पर है ही नहीं और मेरे पास कैश अवेलेबल है नहीं, तो अब क्या कर सकते, वापस जाना पड़ेगा। देखते हैं कि कोई हो तो, क्योंकि कैश पेमेंट मेरे पास ख़त्म हो गया, इसलिए चलते हैं यहाँ से वापस। अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है माचिया जैविक पार्क, वहाँ जाते हैं। यहाँ पर मन तो बहुत था, थोड़े बहुत फोटो वगैरह शूट कर लिए है, तो बाकी चलते हैं वहाँ पर अभी। आज के बाद ध्यान रखना होगा कि साथ में केस भी रखने होंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर ऑनलाइन नहीं चलते। कायलाना झील के पास ही है माचिया जैविक पार्क। फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और टिकट लेकर के सीधे घुसते हैं अंदर, और सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे पशु और छोटे छोटे पक्षी। इसका नाम है बिज्जू। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलते हैं लोमड़ी, जो हमने पहली बार देखी। यहाँ के सारे लगभग हमने जीव जंतु पहली बार देखे। ये है वो ही जिसे हम रोही भी कहते हैं, और ये हमने देखा पहली बार रियल अजगर। ओ भाई साहब, यहाँ के सारे जीव जंतु अजगर से ही, वो एक मुज्जू तोते वगैरह सारे ना ये ऐसे ऐसे चिल्ला रहे अजगर वगैरह देख करके डर लग रहा है, क्योंकि उनको पहली बार रियल में देख रहे हैं हमारे आँखों के सामने। और इसके और हम आगे चलते हैं, और तो आगे इससे भी खतरनाक है ये, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और है बिल्कुल ये प्राकृतिक नेचुरल, एकदम नेचुरल। ये है एमू, जो विदेशी पक्षी है, शुतुरमुर्ग के बाद सबसे बड़ा पक्षी। यहाँ पर ये बहुत सारे प्रकार के, ये सारे विदेशी पक्षी है लगभग। ओ भाई साहब, हमें शेर दिख गया, एशियाई शेर। ये बिल्कुल विलुप्त प्रजाति है, सिर्फ एक गुजरात में मिलती है। यहाँ पर ना एक से एक खतरनाक जीव जंतु, एक से एक खतरनाक। ये मतलब यूँ देख करके भाई, फोटो में देखते हैं तो इतना कुछ नहीं लगता, लेकिन अभी हम रियल में देख रहे हैं कि भेड़िया लकड़ बगर हैं, बहुत सारे खतरनाक शेर देखा अभी। और इस यहाँ पर और भी जीव जंतु हैं, चलते हैं उनके पास और वो भी देखते कंटिन्यू, लेकिन है बहुत नज़ारा सुंदर। एक विलुप्त प्रजाति का भालू है, जो हमारे यहाँ पर जंगलों में बिल्कुल कम देखने को मिलता है। ये लेपर्ड के लिए, तेंदुए के लिए इतनी बड़ी जाली लगाई, क्योंकि ये बार कूद भी सकता है इस जाली को। यहाँ देखा तो नहीं है मैं लेपर्ड, तो है यहाँ पर लेपर्ड। वो सो रहा है पेड़ के नीचे, दिख रहा है जस्ट केज, फर्स्ट केज के आगे। लायन भी होता है, ये टाइगर है। यहाँ पर है सारे खतरनाक जानवर, बाघ, शेर, तेंदुआ, ये सारे हमने यहाँ देखे। इनमें से हमें बाघ भी दिखा, शेर भी दिखा, तेंदुआ नहीं दिखा, बाकी सब ये दिखे। ये देखो गाइस, यहाँ ना हमें सारे जानवर जीव जंतु जो भी ताकतवर होते हैं वो सारे हमें देखने को मिले। हमें बाघ मिला, शेर देखने को मिला, सोए हुए पड़े थे सारे। अब चलते हैं आगे, काफी बड़ा है, घूमते घूमते थक गए। यहाँ है मोर, हिरण, ये सारे जो हमारे अमृता देवी उद्यान धमाणा में है वो यहाँ पर भी है। छोटे छोटे जीव जो बेचारे इनके बारे में है, ये थोड़ा इनके लिए बड़ा क्षेत्र बनाया गया है, क्योंकि ये हिरण हमेशा उछाल मारते हैं, इनके लिए इनको थोड़ा अलग बनाया गया, इनके थोड़ा बड़ा बनाया गया। नैना लोमी पावेणम धन पलगाई
माचिया पार्क घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं फाइनली वापस यहाँ से बाहर। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, अनेक प्रकार की हमें चीज़ें देखने को मिली। जोधपुर में घूमने के लिए आए और माचिया पार्क ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अगर आप भी कभी आते हो तो यहाँ, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके सामने लाते रहेंगे। एंड फाइनली बाय।